हरदोई में फिर एक महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। यहाँ के हरपालपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने बाहर मजदूरी करने जा रहे थे, इसी कारण उन्होंने पड़ोसी युवक को फोन किया और कहा कि मेरे घर जाकर बात कराए। इसी के बहाने से उसने घर में जाकर घुसे और उसके कपड़े फाड़ कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। घटना 4 दिसंबर की बताई जा रही है। महिला ने स्थानीय थाने पर 1 सप्ताह पूर्व तहरीर दी थी, लेकिन अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। वहीं महिला ने जब SSP से गुहार लगाई तो SSP के निर्देश पर फिलहाल मामले दर्ज कर दिया गया और जांच शुरू कर दी। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। सर, हरपालपुर थाना क्षेत्र में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, क्या जानकारी है, क्या कार्रवाई? थाना हरपालपुर क्षेत्र में एक महिला ने आरोप लगाया है कि मेरे पति घर पे नहीं थे, वो आए और मेरे साथ में छेड़खानी की और बताया कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई की जा रही है। तो मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी जो है वो भी फरार है, अब पुलिस उसके हाथ तफ्तीश दी गई है और टीमें गठित कर दी गई है। क्या घटना हुई आपके साथ? उदय बिन ने बात करने के लिए हमारे पति ने हमारे भेजा तो गलत काम हमारे साथ किया, मारने की धमकी दिया कि गोली मार देंगे, जान से मार देंगे तुमको, हमारे पेटी को फाड़ दिया और जान से मारने की धमकी दिया कि जान से मार देंगे तुमको। जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कि जान से तुमको मार देंगे और कि माला बंद करके जंजीर लगा लिया और अंदर बुरा काम हमारे साथ किया।